मैं तो ये कहना चाहती हूँ, मैं अपने हरिजन समाज को ये संदेश देना चाहती हूँ जो हमारे हरिजन भाई हैं, जिनके लिए लोग इतना हुमर बनाते, क्या वो इंसान नहीं है क्या? मैं तो ओबीसी कुर्मी समाज से आती हूँ, ये ऐसा है कि मैंने मेरी जो जाति है उससे चुनाव लड़ा। सबसे पहले मैंने 95 में मकरोनिया से वार्ड क्रमांक 12 से पंच का चुनाव लड़ा था। वो पंच की महिला सामान्य सीट थी, उसमें कोई भी लड़ सकता था, तो उसमें मैंने मैं कुनबी समाज से आती हूँ, कुर्मी समाज से, तो मैंने उसमें महिला पिछड़ा वर्ग का अपना सर्टिफिकेट लगा के चुनाव लड़ा, क्योंकि उसमें कोई भी लड़ सकता था। और फिर जब मैं 2000 में सरपंच की सीट, उस समय जब मैं पंच बनी थी 95 में, उस समय यहाँ सरपंच की सीट आरक्षित थी, एस सीट थी, इसलिए मेरे पतिदेव उप सरपंच बने और मैं पंच बनी थी। और उसके बाद जब सन 2000 में महिला सीट हुई, ओबीसी महिला सीट, उस समय मैं यहाँ से ओबीसी के सर्टिफिकेट पे मैं सरपंच का चुनाव लड़ी और मैं जीती। उसके बाद सन 2000 में फिर महिला सामान्य सीट हुई, तब मैं महिला सामान्य सीट से चुनाव लड़ी, जीती। उसके बाद 2010 में पुरुष सामान्य सीट हुई, पुरुष सामान्य, चूँकि पुरुष सीट पे महिला लड़ सकती है, तो मैं उससे भी लड़ी। उस समय हमारे यहाँ से 20 पुरुष लड़े थे और 2 महिलाएँ लड़ी थी, उनमें से मैं सबकी, मेरे क्षेत्रवासियों की आशीर्वाद से फिर मैं तीसरी बार विजय हुई। तो इस तरह मेरा ये पूरा राजनीतिक सफर 95 से शुरू हुआ है। उसके साथ ही मैं भारतीय जनता पार्टी की, मैंने 92 में सदस्यता ले ली थी, साथ साथ 15 वर्ष में सरपंच रही, 5 वर्ष में पंच रही, उसके साथ साथ मैं निरंतर भारतीय जनता पार्टी का एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किया है। अभी नॉमिनेशन दाखिल किया है, किस कास्ट से किया है? कुर्मी समाज, कुर्मी समाज से किया है। कहने का मतलब है कि इस बार भी कोई इश्यू तो नहीं है? देखिए, पहली बात तो सीट सामान्य है, कोई भी लड़ सकता है। ये जो बना रहे हैं उनको इतना समझ होना चाहिए कि सामान्य सीट पे कोई भी व्यक्ति लड़ सकता है, चाहे वो कोई भी रहे। और ये जो, मैं तो ये कहना चाहती हूँ, मैं अपने हरिजन समाज को ये संदेश देना चाहती हूँ, जो हमारे हरिजन भाई हैं, जिनके लिए लोग इतना हुमर बनाते, क्या वो इंसान नहीं है क्या? मैं तो ओबीसी कुर्मी समाज से आती हूँ, ये मेरी जात है। लेकिन यदि कोई हरिजन व्यक्ति लड़ता भी है, लड़ते हैं, बहुत से लोगों ने फॉर्म भरा है, तो सामान्य सीट से तो कोई भी लड़ सकता है, उसमें इतना इशू बनाने की आवश्यकता क्या है, ये बताइए। बेटी के एडमिशन को भी लेके कुछ इशू लोगों ने बनाया कि बेटे, क्योंकि बेटा मेरा एससी है, जब माँ बाप कुर्मी है तो बेटा एससी कैसे हो सकता है, आप ये बताइए, समझने वाली बात है। और मैंने अपने बेटे का भी सर्टिफिकेट जारी कर दिया है, किसी को ज्यादा संशय है तो वो मेरे बेटे का भी सर्टिफिकेट देख सकते हैं। ये जो विरोधियों ने ह्यूमर बनाया है, क्या मानते हैं, किस तरह का षड्यंत्र? मेरे विपक्षी दलों को ऐसा लगता है जैसे कि शायद उनको महिला प्रत्याशी पच नहीं रही है, उन्हें लगता है कि अब मैं उनके सामने एक महिला है, शायद वो अपने आप को कुछ ज़्यादा श्रेष्ठ मान रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि एक महिला हमारे सामने आई है। तो विपक्षियों का, हमारे जो विपक्षी दल हैं, उनका षड्यंत्र है ये, और ये षड्यंत्र ही है और कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं। पब्लिकली कोई मैसेज